नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। उलझा शीना की मौत का राज, बयान से पलटे पीटर मुखर्जी। सनसनीखेज शीना बोरा हत्याकांड में गुत्थी उलझती ही जा रही है। स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी ने यू टर्न लेते हुए कहा कि शीना बोरा ने बताया था कि वह उनकी सौतेली बेटी है, लेकिन उनकी पत्नी इंद्राणी ने इस बात को खारिज किया और उन्होंने अपनी पत्नी की बात पर विश्वास किया। हालांकि इस बात को स्वीकार करना कठिन था। कल तक मुखर्जी यह कह रहे थे कि वे इस बात से अनजान थे कि शीना उनकी पत्नी इंद्राणी की बेटी थी। मुखर्जी ने कहा कि उसने मुझे बताया कि जीजू इंद्राणी आपको गलत जानकारी दे रही है और कृपया आप मुझ पर विश्वास करें, मैं उनकी बहन नहीं बेटी हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी शादी से पहले मुझे बताया गया था कि इंद्राणी की एक बहन और भाई है, शीना बहन थी और मिखाइल भाई था। शीना ने बाद में संकेत दिया कि यह गलत सूचना थी। एलओसी पर पाक ने की गोलीबारी, 3 की मौत। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जमकर गोलीबारी की। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी रेंजरों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अग्रिम भारतीय चौकियों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाकर आधी रात से फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तानी रेंजरों ने पहले तो छोटे हथियारों से फायरिंग की और बाद में मोर्टार दागने भी शुरू कर दिए। भारत ने लंदन में खरीदा अंबेडकर का मकान। भारत ने पिछले कई महीनों से जारी अनिश्चितता समाप्त करते हुए दलित आइकन एवं भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 3 मंजिला बंगला खरीद लिया। इस मकान में वह 1920 के दशक में एक छात्र के तौर पर रहे थे। इस मकान को एक अंतर्राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता मंत्री राजकुमार बडोले ने लंदन में 10 किंग हेनरीज रोड स्थित 2050 वर्ग फुट के इस मकान से संबंधित अनुबंधों का आदान प्रदान किया। राज्य सरकार ने 31 करोड़ रुपए में इस संपत्ति को खरीदने के अपने निर्णय की घोषणा की थी।